बिहार में आज अहले सुबह हुई आरजेडी के कई नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई जांच के बाद अब जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल इस बाबत जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इस जांच को केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। इतना ही नहीं, इस बाबत नीरज कुमार ने केंद्र सरकार को चेतावनी तक दे डाली है कि बिहार में जो साजिश की जा रही है वो बीजेपी पर भारी पड़ेगी। नीरज कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीतिक हथियार के तहत इस्तेमाल कर रही है। साथ ही कहा कि बिहार में खतरनाक कोशिश की जा रही है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है। इससे पहले ही केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई ईडी से सख्ती परीक्षण करवाया जा रहा है। साथ ही कहा कि विधायकों की संख्या नहीं है, लेकिन बिहार में कूचक रचा जा रहा है। सीबीआई जांच को लेकर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है, तो सीबीआई ईडी से सख्ती परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है। सीबीआई ईडी जैसी दर्जनों सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे, लेकिन दुनिया में कोई मायका लाल पैदा नहीं लिया है जो बिहार में विधायकों को, जो महागठबंधन का सरकार बना है, उस पर कोई दबाव बना सके। इसलिए भ्रम में मत रहिए, जनता सब कुछ देख रही है।